পুলিশ ইন্সপেক্টর রামদাস কাকড়ে, রাবের পুলিশ স্টেশন ইনচার্জ। আজ 8 মার্চ ह्या जागतिक महिला दिनानिमित्त आम्ही असं ठरवलेलं आहे की रावेर पोलिसांचं संपूर्ण कामकाज आज आपल्या रावेर येथील ज्या प्रतिष्ठित महिला आहेत त्यामध्ये दक्षता कमिटी, शांतता कमिटी, शिक्षक यांचे आम्ही रावेर पोलिसांना प्रत्येक टेबलला, प्रत्येक ठाणे अंमलदार पासून, बारणेशी पासून, कारखोन वगैरे गार्ड अंमलदार, तर पोलीस स्टेशन इन्चार्ज पासून असे आम्ही महिलांची कामं वाटून दिलेली आहेत। आणि त्याप्रमाणे आजच्या जागतिक महिला दिनानिमित्त सर्व महिलांकडून आम्ही पोलिसांचं कामकाज कसं चालतं ह्या प्रथम त्यांना सगळी माहिती आम्ही दिलेली आहे। त्यांच्या मदतीला कामकाज करून घेण्यात आम्ही आहेतच, परंतु महिलांना समक्ष आजच्या एक दिवस त्यांना जबाबदारी सोपवून त्यांच्याकडून आम्ही चांगल्यात चांगल्या प्रमाणे काम करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे। सर, तुम्ही महिला दिनानिमित्त महिलांना ही जी जबाबदारी सोपवली त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? याबद्दल आम्हाला खूप आनंद होतो की महिला, सुरुवातीला महिला म्हणजे त्यांना थोडस कमी लेखल्या जात होतं, परंतु महिला सुद्धा आता कमी नाहीत, त्या पुरुषाबरोबर काम करू शकतात आणि त्यांना सुद्धा तो अधिकार प्राप्त झालाच पाहिजे। म्हणून या उद्देशाने जागतिक महिला दिनानिमित्त आम्ही त्यांना पोलिसांचं संपूर्ण कामकाज कसं चालतं आणि त्यांना एक जबाबदारी देऊन त्यांच्याकडून आम्ही काम करून घेत आहोत। जागतिक महिला दिवस इसके लिए हमारे को रावेर में रावेर पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और यहाँ पर यहाँ के इंचार्ज मोहतरम रामदास वाकुड़े सर, ये पुलिस इंचार्ज है, इन्होंने यहाँ पर मुझे एक दिन के लिए ये इंचार्जशिप सौंपी है, इसलिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये साबित करूंगी कि एक लेडीज जो घर चला सकती है वो पुलिस स्टेशन भी चला सकती है, वो पूरे तालुके को चला सकती है और किस तरीके का किसी के ऊपर अन्याय ना हो इसका ध्यान रखते हुए वो काम को आगे बढ़ाएगी। मैं और मेरा पूरा ग्रुप यहाँ पर मौजूद है और हम हमारा काम जो हमें वाकुड़े सर ने सौंपे हैं वो हम बखूबी अंजाम देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें ये संधि दी गई है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट का धन्यवाद करती हूँ और जो जो खाते हमें दिए गए हैं, जो जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, उन जिम्मेदारियों में हम पूरी तरीके से कामयाब होकर आज बता देंगे कि नारी भी बहुत कुछ कर सकती है, औरत में इतनी हिम्मत है कि वो घर भी चला सकती है और पुलिस स्टेशन भी चला सकती है, वो देश भी चला सकती है। औरत की ताकत बहुत ही अहम होती है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि माना के पुरुष बलशाली है, माना के पुरुष बलशाली है, पर जीतती नारी है, पर जीतती नारी है, सांवरिया के 56 भोग पर बस एक तुलसी भारी।